हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदर एफएफ। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में आपको एक न्यूज़ बताने वाला हूँ। गाइस, जैसे मैंने सुबह बुई ऐप ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अभी इसमें देखते हो गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। हमें दो अनाउंसमेंट दी गई है गाइस, इंपॉर्टेंट बुई ऐप से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे मैं पहले वाली नोटिफिकेशन या पहले वाली ओपन करता हूँ तो यहाँ से देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ गया है। यहाँ से मैं आपको इसको पढ़कर दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ से जो है फॉलोइंग फीचर्स वुड बी डिसेबल, यहाँ से ये असली जो है नोटिफिकेशन, ये जो अनाउंसमेंट है यहाँ से स्टार्ट होती है। और सबसे पहले स्टीमर प्रोग्राम गाइज, आज से स्टीमर प्रोग्राम बंद हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी न्यूज़ है वो यही है गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टीमर प्रोग्राम जो था भुया के अंदर वो 9 सितंबर यानी कि आज से बंद हो जाएगा। अब से कोई भी नया बंदा स्टीमर प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। जो पहले से ज्वाइन है वो तो ज्वाइन रहेंगे, लेकिन जो नया बंदा होगा गाइज वो कोई भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, भुया कॉइन्स परचेज गाइज, 9 सितंबर यानी कि आज से आप कोई भी भुया कॉइन्स परचेज नहीं कर पाओगे। जिस तरह भुया के अंदर कॉइन्स होते हैं आप वाले कॉइन्स परचेज नहीं कर पाओगे। वो वाला सेक्शन भी नहीं आ रहा कॉइन्स वाला, वरना मैं आपको दिखा देता गाइज। एंड गाइज तीसरा जो अपडेट है भाई वो है भुया कॉइन्स कैश आउट। तो भुया, अगर आपके पास भुया कॉइन्स है, सपोज भुया कॉइन्स से आप क्या करते हो, आप किसी स्ट्रीमर को मेडिकिट या फिर पैराशूट ये सब चीज़ें गिफ्ट करते हो, ठीक है गाइज। अब सपोज आपने मेरे को कुछ गिफ्ट किया, मेरे पास मान लो 500 कॉइन्स है, तो उन 500 कॉइन के बदले में हमको जो है पैसे मिलते हैं, तो उन कॉइन्स को कैश आउट कहते हैं गाइज, उस चीज़ को कैश आउट कहते हैं उससे पैसे लेने को। तो कैश आउट करने का जो टाइम है भाई वो है 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक आप जितने कॉइन्स चाहो निकाल सकते हो, उसके बाद आप कोई भी कॉइन नहीं निकाल पाओगे। कैश आउट का जो ऑप्शन है भाई वो भी रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर तक ही कैश आउट का रहेगा बस, उसके बाद नहीं रहेगा गाइज। और इसके नीचे जो यहाँ पर है गाइज, वी स्ट्रॉन्गली सजेस्ट टू ऑल यूज़र्स, तो भाई ये कह रहे हैं कि आपके पास जितना भी कॉइन बैलेंस है या तो उसको आप किसी को डोनेट कर दो या फिर उसको उसकी रिक्वेस्ट डाल दो कि हमें इसके बदले में हमें पैसे वापस दे दो, यानी कि आप उसकी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। हालांकि भुया में पहले वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको आपके वापस रिफंड चाहिए तो आप रिफंड भी ले सकते हो। उसके बाद कैश आउट का जो सेक्शन है भाई वो क्लोज हो जाएगा। यूज़र में कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस वी हेल्प सेंटर, तो भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्प सेंटर पर जाकर वहाँ से कस्टमर सर्विस से बातचीत कर सकते हो। तो ये वाली नोटिफिकेशन यहीं पर ख़त्म होती है। आगे हम देखते हैं गाइस एक और अनाउंसमेंट टू स्टीमर, लेकिन ये जो वाले मैं पढ़ रहा हूँ ये है भाई स्टीमर्स के लिए। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भाई जिन बंदों ने सितंबर का अपना CV कंप्लीट कर लिया है यानी कि उनका कोई ना कोई लेवल कंप्लीट हो चुका है और वो स्टीमर प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं, जो बंदा कैश आउट करना चाहते हैं अपने अमाउंट को वो कैश आउट कर सकता है गाइज़। 15 सितंबर तक आप उन सभी स्ट्रीमर्स के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और कैश आउट की जो प्रोसेस है भाई वो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रीमर हु हैव नॉट कंप्लीट कैश आउट ऑफ एनी क्रेडिट बैलेंस, तो ये कह रहा है जिस बंदे ने अभी तक कोई भी कैश आउट नहीं किया, कोई पैसा नहीं निकाला भुया से, अभी तक कोई कमाई नहीं की, लेवल अचीव नहीं किया, इस तरह के बंदे के लिए क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी सभी 30 सितंबर तक अपना सब कुछ कंप्लीट कर लो, इसके बाद कैश आउट सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगी भाई। स्ट्रीमर के लिए जो अपना अमाउंट निकालने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है और ऑल यूज़र्स के लिए, यानी कि जो बंदे स्ट्रीमर नहीं है सिर्फ वो ऐप देखते हैं यूज़ करते हैं, उनके लिए जो उनके कॉइन्स है वो उसको वापस ले सकते हैं, उनके लिए 31 सितंबर उनकी लास्ट डेट है गाइस। अब आप समझ गए होंगे इन दोनों कैश आउट में क्या डिफरेंस है। सेकंड अनाउंसमेंट है स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस विल बी वैलिडेटेड बेस्ड ऑन डाटा अप टू 7 सितंबर, यानी कि जो आपकी स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 7 सितंबर तक काउंट की जाएगी भाई, ठीक है। आपको जो भी अमाउंट मिलेगा, जो भी स्ट्रीमर्स को अमाउंट मिलेगा, उनके जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो 7 सितंबर तक जो उन्होंने स्ट्रीम की होगी, जितनी उनकी वॉचिंग आई होगी उसके हिसाब से उनको सब कुछ मिलेगा भाई, समझ रहे हो। थर्ड जो नोटिफिकेशन है, इफ द स्ट्रीमर क्वालिफाइज फॉर एटलीस्ट पार्ट टाइम स्ट्रीमर, यानी कि अगर स्ट्रीमर है जो कि पार्ट टाइम के लिए भी क्वालिफाइज कर जाता है शॉर्ट, तो भाई ये कह रहे हैं अगर कोई बंदा पार्ट टाइम स्ट्रीमर ग्रुप में पहुँच जाता है सितंबर के महीने में तो भाई स्टीमर विल बी एलिजिबल, तो वो अपना कैश आउट निकाल सकता है गाइस, ठीक है। कैश आउट अमाउंट विल बी बेस्ड ऑन द स्टीमर ग्रुप एंड लेवल, तो वो तो सबको ही पता है गाइस, जो उसका कैश आउट का अमाउंट होगा वो उसके लेवल के और उसके ग्रुप के ऊपर बेस होगा गाइस, यानी कि उसका कितना लेवल है, कितना ग्रुप है और प्रोरेटेड, ये पता नहीं भाई क्या है कैश आउट अमाउंट विल बी प्रोरेटेड, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या होगा। शायद थोड़ा बहुत कैश आउट अमाउंट जो है राउंड ऑफ हो सकता है गाइस, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत कम या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। द स्टीमर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कैश आउट इन एनी अदर केसेस, किसी और केस में गाइज ये कोई भी स्टीमर अपने कैश अमाउंट को नहीं निकाल सकता भाई, ठीक है। अगर कोई और बंदा, इन बंदों के अलावा कोई और बंदा कैश आउट अमाउंट नहीं निकाल पाएगा तो ठीक है भाई। तो ये जो मेन अनाउंसमेंट थी, दो अनाउंसमेंट ये भुया की तरफ से थी, एकदम ऑफिशियल खुद भुया के अंदर आई है गाइज। इसके अलावा भाई जब मैंने अनाउंसमेंट देखी तो भाई मैं सोचने लगा भाई ये सब क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है भाई। आपने भी देखा होगा भुया पर जुलाई के बाद से, यानी जुलाई के लास्ट में बस इवेंट आया था वॉच टू विन वाला, उसके बाद से कोई भी वॉच टू विन वाला इवेंट नहीं आया गाइस, एक भी वॉच टू विन वाला इवेंट नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हो गाइस क्या हो रहा है कि भुया पता नहीं भाई किस प्रॉब्लम का फेस कर रहा है। तो भाई इसके बारे में मैंने यूट्यूब और गूगल पर देखा तो मुझको पता लगा कि भाई भुया ऐप ने
वो ये आपकी जो कंपनी है भाई सी लिमिटेड यानी गरीना और सी लिमिटेड इसको मिलकर चलाते हैं, तो भाई ये जो कंपनी है ये इसको शट डाउन कर देगा। आप गूगल पर जाकर अगर सर्च करोगे तो भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भैया ऐप जो है शट डाउन यानी कि बंद होने वाला है। आप देख सकते हो नीचे काफ़ी सारे टॉपिक्स हमें मिले, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, कोई भी आर्टिकल्स आप फुल आर्टिकल पढ़कर देख सकते, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर भाई। इतने ज़्यादा लोगों को भैया ने हायर किया और बहुत ज़्यादा अपना बेस बढ़ाया भैया ने भाई, काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स को खूब सारा कैश दिया, खूब सारे रिवॉर्ड्स दिए और खूब सारे टूर्नामेंट्स कराए, लेकिन भाई भैया को ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसा भैया ऐप रिजल्ट चाहता था गाइस। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी गाइस, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप इस बात में अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट करना गाइस, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।